आरा नगर निगम की वार्ड नंबर 15 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी राकेश कुमार पासवान उर्फ खंडेल ने समाहरणालय पहुंचकर नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान राकेश कुमार पासवान उर्फ खंडेल ने कहा कि वार्ड नंबर 15 की स्थिति बेहद खराब है। पिछले कार्यकाल में वार्ड नंबर 15 में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देकर वार्ड में विकास करने का एक मौका देगी। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो इस बार वार्ड में चौमुखी विकास होगा और वार्ड नंबर 15 की स्थिति सुधर जाएगी, जो काफी बिगड़ गई है। यहाँ जलजमाव से लेकर अनेकों समस्याएं हैं। कई लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर मुझे मौका मिला तो उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। किस वार्ड से नामांकन कर रहे हैं और क्या मुद्दा होगा? वार्ड नंबर 15 वार्ड पार्षद के लिए। आपका नाम? राकेश कुमार पासवान खंडेल। चाहिए बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव, जल निकासी, और भी कई समस्या है, नाली हो गया या रोड हो गया या राशन भी सही पर नहीं मिलता है, सफाई की भी बहुत सारी शिकायतें हैं और बहुत सारी समस्या है छोटी बड़ी लेकर के जनता को। इसलिए हमने ये पीड़ा उठाया कि हम जनता की निस्वार्थ सेवा करेंगे, यही भावना है। सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी? अगर सबसे पहले प्राथमिकता जल जमाव की होगी। जल जमाव की जो समस्या है हमारे वार्ड में, बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम दूर करेंगे और सच्चे भाव से अपने वार्ड के जनता का सेवा करेंगे, हर बात का मान रखेंगे, आदर रखेंगे, सम्मान करेंगे। वार्ड की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की जनता इस बार हम पर भरोसा जता रही है, विश्वास कर रही है, अपार आशीर्वाद और सफलता दे रही है। जनता से अपील क्या करेंगे? जनता से अपील हम यही करेंगे कि इस बार जनता भारी वोट से हमको विजयी बनाए और निस्वार्थ भावना से हम जनता की सेवा करेंगे।